खेलना तो बनता है कि सीरीज में आज हम बात करेंगे एस्ट्रो प्लेरूम गेम के बारे में। जो भी प्लेस्टेशन यूजर्स हैं वो तो इस गेम के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन जो एक्सबॉक्स एंड पीसी पर गेमिंग करना पसंद करते हैं उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी गेम के बारे में बताने वाला हूँ जिसके आगे बड़े बड़े ट्रिपल ए टाइटल भी फेल हैं। पहले गेम की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। एस्ट्रो प्लेरूम ये कोई पहला गेम नहीं है, इससे पहले 2018 में एस्ट्रोबोट रेस्क्यू मिशन करके भी एक गेम आया था जो PS4 पर एक्सक्लूसिवली लॉन्च किया गया था। और उस गेम में एक डीमेरिट ये भी था कि उस गेम को आप ओनली PSVR के थ्रू ही खेल सकते थे, यानी कि आपके पास PS4 होने के साथ साथ PSVR होना भी नेसेसरी था। लेकिन जहां तक सवाल है एस्ट्रो प्लेरूम गेम का, तो ये ओनली PlayStation 5 पर ही लॉन्च हुई है और इसकी रिलीज डेट है 12th November 2020। जी हाँ, ये वही डेट है जब PS5 वर्ल्ड वाइड लॉन्च किया गया था। और सबसे बड़ी बात, इस गेम को कंपनी ने फ्री में प्रोवाइड कराया था PlayStation 5 के साथ। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने भी PS5 यूजर्स हैं ऑलमोस्ट सभी ने इस गेम को खेला ही होगा। और इसे खेलने के लिए आपको कोई PSVR या PSVR2 की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। गेम का गेम प्ले भी आप देख सकते हैं। जो भी निंटेंडो फैन है और जिन्हें ये लगता है कि निंटेंडो स्विच पर इससे अच्छी गेम तो कभी बनी नहीं सकती, तो एक बार उन लोगों को मेरी स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन रहेगी कि आप एक बार एस्ट्रो प्लेरूम को जरूर ट्राई कीजिएगा। आपकी गलतफहमी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। मतलब बहुत जगह ये गेम आपको इतना सरप्राइज करती है कि आपको लगेगा कि आज तक सुपर मारियो में भी इतनी बढ़िया स्टेज नहीं बनी है। और इस गेम को खेलने की सबसे बड़ी USP ये है कि ये PS5 का पूरा पोटेंशियल यूज़ करती है, यानी कि PS5 कंसोल में जितने बढ़िया ग्राफिक्स ये निकाल कर दे सकती है वो तो ये देती है, साथ में जो इसके कंट्रोलर के मूव हैं, यानी कि इसमें मोशन के थ्रू भी आप वर्क करेंगे, हैप्टिक फीडबैक, एडिप्टिव ट्रिगर्स, आज तक इससे बढ़िया आपको किसी गेम में देखने को नहीं मिल सकता। मतलब ये कहा जा सकता है कि अगर आपको PS5 के सभी फीचर्स के बारे में डिटेलिंग से जानना है तो आप इस गेम को एक बार खेलिए। आपको पता चलेगा कि PS5 को कितने एडवांस लेवल पर डिजाइन किया गया है। वो बात अलग है कि अभी भी बहुत सारी गेम्स हम उसी तरह से खेलते हैं जैसे हम PlayStation 4 पर खेलते थे। थोड़े बहुत ग्राफिक्स में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल जाती है, लेकिन अभी भी वो हैप्टिक फीडबैक, मोशन कंट्रोलर या एडिप्टिव ट्रिगर्स हमें हर गेम में देखने को नहीं मिलता, जो कि सोनी के एक्सक्लूसिव टाइटल्स में तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। बात करें इस गेम के डेवलपर की, तो ये जैपनीज स्टूडियो ने बनाई है गेम, जिनका नाम है टीम आसोबी। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि सोनी के लिए ही गेम डिजाइन करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि एस्ट्रो रेस्क्यू मिशन को भी इन्होंने ही बनाया था। इसके अलावा ये कंपनी दो गेम और भी बना चुकी है जो ओनली PS4 पर ही लॉन्च हुई थी। एक गेम का नाम है द प्लेरूम और दूसरी है द प्लेरूम VR, यानी कि 2013 में आई थी प्लेरूम, 2016 में फिर प्लेरूम VR बनाई थी, जिसके लिए आप समझ ही रहे हैं कि VR की आपको रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप में से किसी ने भी ये गेम खेली है तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि प्लेरूम गेम कभी मैंने ट्राई की नहीं है, बट इनका काम देखकर मुझे लगता है कि वो गेम भी इन्होंने अच्छा ही बनाया होगा। इसके साथ साथ गेम की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जितने भी सोनी के एक्सक्लूसिव टाइटल्स हैं जैसे गॉड ऑफ वॉर है, अनचार्टेड है, लास्ट ऑफ अस है, होराइजन है, तो इन सभी के रेफरेंस भी आपको गेम में देखने को मिलते हैं। और गेम में टोटल 4 स्टेज हैं। जैसे जैसे आप स्टेज को कंप्लीट करेंगे वहां पर आप इसके प्रीवियस कंसोल को देखेंगे, यानी कि जैसे PlayStation 1 है, दूसरी स्टेज में PlayStation 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी आइटम्स है जो आपको धीरे धीरे गेम में कलेक्ट करनी होती है। ओवरऑल इस गेम के बारे में बस मैं इतना ही बता सकता हूँ कि ये गेम इतनी बढ़िया है कि अगर आप अभी तक PlayStation के फैन नहीं है ना, तो इस गेम को खेलने के बाद डेफिनेटली बन जाएंगे और आपका मन करेगा कि यार इसी गेम के लिए मैं PlayStation 5 परचेस कर लेता हूँ। और आप में से जितने लोगों ने ये गेम खेली है प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये गेम कैसी लगी। और इस वीडियो के थ्रू हम कंपनी से ये भी डिमांड करना चाहेंगे कि इन फ्यूचर भी वो इस तरह की गेम बनाते रहें। और मैं किसी और के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं स्पेशली खुद इस गेम को AAA टाइटल के प्राइस पर परचेस करने को रेडी हूँ। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और मज़ेदार गेम प्ले देखने के लिए। और साथ ही आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट किस गेम के बारे में डिटेलिंग से जानना चाहते हैं।